मैं देश के सभी हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सभी देशभक्तों को 73वीं गणतंत्रता दिवस के ऊपर बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। और इस गणतंत्रता दिवस के ऊपर मैं आप सभी से यही अनुरोध करता हूँ कि हम सभी लोग राष्ट्रभक्ति सिर्फ 15 अगस्त और 26 जनवरी तक ही सीमित न रखें, बल्कि पूरे साल अपने घरों के ऊपर छतों के ऊपर राष्ट्र ध्वज को फहराएं और हम पूरे साल उस सेक्रीफाइस को याद रखें कि बहुत सारे वीरों ने अपनी जान गंवाई है, तब जाके हमारी देश को आजादी मिली और उसके बाद हमारे देश के अंदर 26 जनवरी को हमारा अपना संविधान बना। ये हमारे लिए बहुत गर्व की बात है और हम सभी लोगों को हर्ष और उल्लास के साथ इस फेस्टिवल को मनाना चाहिए। उसके साथ साथ मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, हिंदी है हम, वतन है हिंदुस्तान हमारा। ये छोटी बात नहीं है। अगर हम हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में भाईचारे के साथ रहेंगे तो मुझे लगता है कि हमारा भारतवर्ष एक बार दोबारा सोने की चिड़िया बनेगा। ज्यादा कुछ न कहते हुए मैं एक बार फिर आप सभी लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। भारत माता की जय, वंदे मातरम।